छतरपुर में वक्सवाहा में पेड़ काटने को लेकर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि अगर 2 लाख पेड़ काटे जाएंगे तो 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके समय में मध्य प्रदेश की धरती को खोद दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि पेड़ एक साथ नहीं काटे जाएंगे। छतरपुर जिले के बक्सवा के जंगल की जमीन में 3.42 करोड़ कैरेट हीरे दबे होने का अनुमान है। अब इन्हें निकालने के लिए लगभग 382 हेक्टेयर का जंगल खत्म किया जाएगा, जिसमें करीब 2,15,000 पेड़ काटे जाने हैं। इनमें 40,000 पेड़ सागौन के हैं। इसके अलावा केम, पीपल, तेंदू, जामुन, बहेड़ा, अर्जुन जैसे औषधीय वृक्ष भी यहाँ हैं। जहाँ पेड़ काटे जाने को लेकर पूरे प्रदेश की जनता ने इसका विरोध किया है, वहीं सरकार पेड़ के बदले ज़्यादा पेड़ देने का दावा कर रही है। बक्सवा में पेड़ काटने को लेकर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि अगर 2 लाख पेड़ काटे जाएंगे तो 40 लाख पेड़ वहां लगाए भी जाएंगे। 20 गुना ज़्यादा पेड़ लगाने का कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि सीएम शिवराज सिंह इस पर साफ निर्देश दे चुके हैं कि ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं। उन्होंने कहा ये पेड़ एक साथ नहीं काटे जाएंगे, इसके लिए 30 से 40 साल लगेगा। उन्होंने कांग्रेस नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा, कमलनाथ और दिग्विजय के समय तो मध्य प्रदेश की धरती को खोद दिया गया था। बक्सवा में पेड़ काटने का विषय मीडिया के द्वारा चर्चा में आता है, सोशल मीडिया से भी आता है। मैं तो कहना जो 2 या 2.5 लाख जो भी पेड़ जो आप बता रहे हैं, उससे 20 गुना ज़्यादा पेड़, अगर 2 लाख काटेंगे तो 20 गुना कितना हो गया, 40 लाख, 10 गुना हो गया तो 20 लाख, तो ऐसे 20 गुना ज़्यादा पेड़, नियम है 10 गुना पेड़ लगाइए। माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने निर्देश दिया है कि 10 गुना क्यों, 20 गुना ज़्यादा पेड़ वहाँ पे लगाए जाएंगे और एक चरण में इकट्ठे पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं। कांग्रेस को मुझे लगता है आरोप लगाने के अलावा कोई रास्ता तो बचा नहीं है, इसलिए कांग्रेस जो आरोप लगा रही वो निराधार आरोप है। उनके समय की यादें करेंगे, मैं निगेटिव आज बोलना नहीं चाहता क्योंकि सहकारिता अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस है, उनके समय की यादें करेंगे, दिग्विजय सिंह के चेहरे याद आएंगे, कमलनाथ जी के चेहरे याद आएंगे। पूरा मध्य प्रदेश को खोदने का प्लान नहीं किया था, खोद डाला था, इसलिए ये आरोप निराधार। बहरहाल सरकारी दावे चाहे जो भी हों, लेकिन हीरे निकालने के लिए पेड़ काटने से पर्यावरण को भारी नुकसान होना तय है। इसके अलावा वन्य जीवों पर भी संकट आ जाएगा। हो सकता है हीरे मिलने से सरकार को तुरंत फायदा हो, लेकिन इसका भविष्य क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।